नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़, देवभूमि उत्तराखंड की घर घर गांव की आवाज़। जी हां, आप हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी से कोरोना वायरस जैसे संक्रमण बीमारी से पूरी दुनिया परेशान है। पॉजिटिव केस आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने देश में भी जो लॉकडाउन की सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है। अनलॉक समय इस समय चल रहा है, कुछ छूट मिली हुई है। तो आइए यहाँ पे जो जनपद पौड़ी गढ़वाल विकासखंड नैनी डंडा और बाड़गढ़ ग्राम सभा के दौरे पे आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज यहाँ पे कुछ बातचीत करेंगे क्वारंटीन सेंटर में आए हुए लोगों को। प्रवासी लोग यहाँ पे देश के कोने कोने राज्यों से यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उन्हीं से आज यहाँ पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह रावत जी से हम रूबरू होते हैं। तो सबसे पहले वॉइस ऑफ माउंटेन पे प्रधान जी आपका स्वागत है। तो ये समय क्वारंटीन सेंटर में कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे पहुँचे और किन जगहों से पहुँचे? ज़्यादातर लोग दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव से ही आ रहे हैं और बाकी लोकल के भी हमारे काशीपुर, देहरादून, रामनगर सभी को क्वारंटाइन कर रहे हैं हम 14 दिन के लिए। और चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। लोग प्रवासी लोग अच्छे हैं हमारे यहाँ। जैसे रेड जून का आपने अलग से देखा होगा, ऑरेंज जून का अलग और ग्रीन जून ऐसे अलग? बिल्कुल कर रहे हैं, उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सबके लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा शौचालय में परेशानी तो है, 2 शौचालय है। तो यहाँ पे जैसे अभी शिकायत मिलने पे आ रही है, जैसे क्वारंटीन सेंटर में पिपली का दौरा करके आया है, वहाँ पे कुछ लोगों की शिकायतें थी कि जो हमारे प्रवासी लोग हैं बाहर से आ रखे हैं वो कहना नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे? हमारे यहाँ ठीक है, अभी तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, जब आएगी तो। तो आइए यहाँ पे कुछ क्वारंटीन सेंटर में कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूँ और उनसे यहाँ पे पूछता हूँ कि सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है, इस चैनल पे आपका स्वागत है। सर यहाँ पे ये बताइए कि आप कहाँ से आना हुआ और क्या आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं आज? हम जो है दिल्ली से आए हैं और हमें इस टाइम जो है 11 दिन 12 दिन हो गए, 12 दिन हमारे को। और यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर में तो वैसे यहाँ पर कोई प्रधान की तरफ से जो होता हो तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं। अच्छा अच्छा, प्रधान ने जो कर रहा है मतलब जितना उनकी हिम्मत थी, जिनको उनको सोचा था, जितना उनकी मेहनत से उन्होंने करा है, बाकी सरकार की तरफ से कोई भी बाथरूम के बुरे हाल है। बाथरूम में कोई लाइट नहीं है, बाथरूम पर गंदगी मची हुई है। और प्रधान ने अपनी तरफ से पानी की पाइपलाइन लगाई है, बिजली की व्यवस्था भी करी है, लेकिन वो भी अपनी तरफ से कहाँ से पूरा करेंगे? इतनी जनता आ रही है, सबको तो हो नहीं सकता। तो मैं आज बाड़गढ़ क्वारंटीन सेंटर का यहाँ पे जायजा लिया। यहाँ पे साफ साफ इनका कहना था कि सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे सुविधा मुहैया नहीं करवा रखा, ग्राम प्रधान अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है, सरकारी एडवाइजरी के हिसाब से नियमों को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉइस ऑफ माउंटेन के माध्यम से बाड़गढ़ जो क्वारंटीन सेंटर है उस जगह का आपको मैं यहाँ पे समाचार दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जो मशीन है थर्मल स्कैनिंग जो रोज यहाँ पे जांच करता है यहाँ पे लोगों को, कितने दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है आपके द्वारा? ये तकरीबन 15 से 17 दिन हो गए, 15 से 17 दिन से। तो रोज इनके रूटीन चेकिंग होती है? रोज चेकिंग होती है, रोज शाम को 4 बजे 5 बजे। अच्छा रोज है? नहीं शाम को, रोज है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात अच्छी निकल के ये आई है कि ग्राम प्रधान बाड़गढ़ नरेंद्र के द्वारा यहाँ पे जो है थर्मल स्कैनिंग की मशीन रोज जांच हो रही है यहाँ पे, कि जो क्वारंटीन सेंटर में हमारे प्रवासी बंधु हैं यहाँ पे आ रखे हैं क्वारंटीन होने के लिए, उनकी रोज यहाँ पे रूटीन के हिसाब से जांच होती है। तो कितने दिनों से हो रही है आपकी जाँच? 12 दिन से। तो रोज हूँ। हाँ बच्चों, ठीक हो? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मशीन, हर प्रधान को ये चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए और अपने जो प्रवासी हैं, अपने गांव के जो नागरिक हैं, अपने ग्राम सभा के नागरिक हैं, उनके रोज यहाँ पे एक रूटीन के हिसाब से ये मेडिकल जांच होनी चाहिए। तो इसी प्रकार नई जगह पर ऐसी खबरें हम दिखाते रहेंगे, तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। ये दर्शकों यहाँ पे जो प्रवासी लोग यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में पहुँच रखे हैं उनसे बातचीत करता हूँ।
और यहाँ का जायजा लेते हैं। सर यहाँ पे कैसे महसूस हो रहा है आपको? जी महसूस है सर, अपने गांव की बात है, गांव के नजदीक स्कूल है ये, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने जैसे कहा था कि क्वारंटाइन सेंटर में हर चीज की होगी, प्रधान को इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, प्रधान अपने घर से लगा रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, ये नजदीक है गाँव के नजदीक, हर चीज हमारे गाँव से मंगाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। यदि बाई चांस दूर होता तो इस हिसाब से कहाँ थी फिर गवर्नमेंट जैसे कह रही है, व्यवस्था ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे शिकायत वही आ रही है कि जो क्वारंटीन सेंटर में जो लोग रह रहे हैं प्रवासी लोग, उनका साफ कहना था कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई है। आइए कुछ कंचल में ही कन हिसाब दे हूँ आप दिन हो गया आप तेईस ग्यारह दिन हो गए अच्छा अच्छा तो कौन देंगे तुम या कुछ सुविधा या क्या हिसाब से तो कुछ नहीं भाई अगर जान लिया दे लिया हम अपने घर वाले चलो प्रधान जी भी अब उतर पे कोशिश करना जी बात चेक करते हैं। हाँ तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बस ठीक ही, तो बस कोई व्यवस्था नहीं है, हम आपको घर में मंगामो जे मंगामो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बाड़ेगाड़ का जो राजकीय सेंटर है, यहाँ पे विद्यालय है, उस सेंटर में मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पे हर दिन थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी न्यूज निकल के आ रही है कि प्रधान जी जो यहाँ पे नरेंद्र सिंह रावत जी हैं, अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखा उन्होंने, जो भी क्वारंटीन यहाँ पे हो रखे हैं जो भी लोग। तो प्रधान के क्या बोल सकते, लेकिन प्रधान ने सब चीज की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन बाकी तो कुछ हो नहीं रखा है, बाकी आप जो भी राजमान है वो घर से मंगाई रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। क्वारंटीन के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कि इस समय गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई वो नहीं ऊपर से आदेश, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पे कभी 5 लाख की बात हुई थी, कभी 10 हजार की बात हुई थी, बातें निकल के आ रही थी, लेकिन इन चीज़ों पे भी रोक लगना चाहिए जो गलत न्यूज़ भेजते हैं सोशल मीडिया पे। हमने खुद वहाँ पे तीरथ सिंह रावत जी आए थे जिस दिन यहाँ पे हमारे सांसद, उनसे मैंने बातचीत की, विधायक से मैंने बातचीत की, वीडियो साहब से मैंने बातचीत की, तहसीलदार साहब से मैंने बातचीत की, जितनी मशीनरी है वो उससे मैंने हमारे बॉयज ऑफ माउंटेन ने यहाँ पे बातचीत की, लेकिन ऊपर जो गवर्नमेंट जो भारत सरकार उत्तराखंड सरकार से जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे अभी धरातल पे नहीं उतरी है, और क्वारंटीन सेंटर में इक्का दुक्का कहीं पे वो चावल राशन वगैरह भी दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं ये अभी पता नहीं। आप ऊपर जो केंद्र की एडवाइजरी यहाँ तो कोई नहीं आया। चलो आप लोग हालांकि मेरे पास नहीं आया था, वो जो हमारे साथ नोडल अधिकारी है सुरेंद्र सिंह जी उनके पास आया था, उन्होंने वितरित कर दिया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग जो मशीन है, यहाँ पे नरेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने मेरी भी यहाँ पे मेडिकल जांच की और 95 यहाँ पे मेरा जो तापमान आया टेम्परेचर उसको उन्होंने यहाँ पे निकाला है, ये देख सकते हैं। तो हर प्रधान इनसे सीख ले सकता है, इसी प्रकार की मशीनें अपनी क्वारंटीन सेंटरों में रख सकता है, ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी प्रकार बॉयज ऑफ माउंटेन आपको इस प्रकार की खबरें लगातार दिखाता रहेगा, देखते रहिए आप बॉयज ऑफ माउंटेन। जल प्रणाली पहाड़ से जुड़ी खबरों को बॉयज ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए बॉयज ऑफ माउंटेन्स।